हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे, जो कल हमने 11th का लेजर लेजर वाला जो टॉपिक किया था उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 2 है लेजर के ऊपर, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हमने लेजर के बारे में जाना, उसके बेसिक मीनिंग, पोस्टिंग क्या होती है, बैलेंसिंग क्या होती है, उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं, इन सभी बातों पर हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जाकर के पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, ठीक है। आई बटन पे लिंक होगा, वहां से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के इसका लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हो, ठीक है। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि बैलेंस, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन को, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और एक अकाउंट्स में बनाकर उसको दिखा देता हूँ कि कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, और फिर बाकी अकाउंट्स आपको खुद बनाने हैं, खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। जो कुछ दिक्कतें आएंगी वो आप कमेंट करिएगा, उसके आंसर्स मैं निश्चित रूप से कमेंट का आंसर करूंगा, और आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए वो भी आप जरूर बताइए, मैं निश्चित रूप से आपको करके दूंगा, ठीक है। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आया हूं, ठीक है। आज बात करते किसके बैलेंस ऑफ अकाउंट्स है, किसके बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के। तो बोला कि जब कल हमने बात की थी अकाउंट्स की बात, कि बुक लेजर, लेजर एक बुक है जहां पर बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाएंगे, क्योंकि जब हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल के अंदर, अब उससे संबंधित जितने भी अलग अलग अकाउंट्स हैं अलग अलग अकाउंट्स खोलेंगे। अकाउंट्स में हमने पोस्टिंग कर दी, मतलब जो भी जर्नल में हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था उन सभी को हमने ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर ट्रांसफरिंग हम क्या करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। कि बैलेंस क्या होता है, तो बैलेंस होता है कि भाई उसके टोटल ऑफ डेबिट्स एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, तो उसके क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। एक टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, उसके क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। अब मान लीजिए कभी डेबिट साइड का योग ज्यादा हो गया, डेबिट का हमने टोटल किया, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। और आपने क्या किया, उसको टोटल किया, कभी क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया, डेबिट साइड कम आ गया, तो क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस, मतलब जिस साइड ज्यादा होगा वो बैलेंस। डेबिट साइड को जोड़ा, क्रेडिट साइड को जोड़ा, डेबिट साइड का योग 500, क्रेडिट साइड का योग 400, तो डेबिट साइड डेबिट बैलेंस हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड का योग ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड मान लीजिए 400 आ रहे हैं और डेबिट साइड आ रहे हैं 300, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब जिस साइड का योग ज्यादा होगा वो बैलेंस आपका कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस कैरी सी बाई डी एंड बैलेंस बी बाई डी यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस सी बाई डी एंड बैलेंस बी बाई डी यूज करते हैं। ये बैलेंस सी बाई डी एंड बैलेंस बी बाई डी यूज क्यों होता है, ये बैलेंस उसको कैरी डाउन कहते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। तो बोला कि बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन की अगर हम बात करें, तो रिकॉर्डिंग अमाउंट दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड एज ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। हमने मान लीजिए अकाउंट्स बनाया, ठीक है, एक बिल्कुल एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है। मैंने एक अकाउंट हमने बनाया, ठीक है, अकाउंट हमने बनाया। अब ये हो गया क्या, ये हो गया डेट वाला कॉलम, ये हो गया डेट वाला कॉलम, ये हो गई पर्टिकुलर्स वाले कॉलम, ये अमाउंट वाले कॉलम, फिर इसी तरह से डेट डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट वाला कॉलम, है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब मान लीजिए जो भी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, ठीक है, हमने ट्रांजेक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड किया तो भाई डेबिट साइड का सम कितना आ रहा है, टोटल मान लीजिए 500 इधर कोई ट्रांजेक्शन हुआ था, एक ट्रांजेक्शन इधर हुआ था 300, क्या होता है, इधर ट्रांजेक्शन 300 का हुआ था। अब 500 और 300 का ट्रांजेक्शन हुआ था, अब हम टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, इस तरफ का टोटल 500, क्रेडिट साइड का टोटल 500, इस टाइप का टोटल कितना करेंगे, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब अगर हम बैलेंस किसकी बात करें, क्या करेंगे, बैलेंस की बात करेंगे, तो बैलेंस की अगर इसकी बात करेंगे, ये कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, डेबिट साइड का योग कम है। अब यहीं पर हमें यूज करना होता है कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। वो कहता है कि जिस दिन आप क्या करते हैं, जिस दिन आप अकाउंट बंद कर रहे होते उस दिन क्या करते हैं, उसका सबका टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस हमने देखा कि डेबिट यहां पर क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, यहां पर डेबिट साइड में टू को लगाकर टू बैलेंस सी बाई डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी बाई डी, जिस डेट को आप बैलेंस, जिस डेट को आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। मान लीजिए 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, क्या करें, 31 मार्च को अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, तो 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लिख देंगे, 31 मार्च को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, 200, क्या हो जाएगा, 200। और जब यही आज ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, और यही चीज क्या बन जाएंगे, एक दिन ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे, क्या बनेंगी, ओपनिंग बैलेंस बनेंगी, किस दिन के लिए, ओपनिंग बैलेंस बनेंगी 21 मार्च 1 अप्रैल के लिए। अब मान लीजिए 2022 ये 2023 था, 21 मार्च 2023,
और यही 1 अप्रैल 2023 को क्या बन जाएगा, इसी को अपोजिट साइड में, अगर डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी हमने लिखा है, डेबिट साइड की तरफ टू बैलेंस सॉरी सी बाई डी बी बाई डी लिखते हैं, सी बाई डी हमने लिखा है 31 मार्च 2023 को, तो 1 अप्रैल 2023 को क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बी बाई डी कितना, सी अमाउंट सॉरी 200 बोल रहे, ठीक है। इसको एक बार फिर से करके दिखाता हूं, ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन आप क्या कर अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, मान लीजिए यहां पर टोटल कितना, इधर इधर 500 आया था, क्या आया था 500, इधर कितना का ट्रांजेक्शन हुआ था डेबिट साइड में, केवल 300 का ट्रांजेक्शन हुआ था, ठीक है 300 का ट्रांजेक्शन, यहां पर टोटल कर लेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे इसको टोटल करेंगे ढंग से, टोटल किया तो टोटल यहां 500, तो जो साइड ज्यादा है उस साइड का बैलेंस यहां बिठा देंगे, 500 हो गए। अब इधर कमी लग रही है ना, कितने की कमी लग रही है, 200 की कमी लग रही है, अगर इसका हम बैलेंस निकालने की बात करें, इसको कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है 500, डेबिट साइड का योग 300 है। अब ये 200 जो है जिस दिन आप अकाउंट्स क्लोज करते हैं उस दिन, जिस तरफ अगर डेबिट साइड में कमी है तो टू बैलेंस कैरी डाउन किस दिन, लास्ट डेट को 31 मार्च 2023 को, अब 31 मार्च 2023 कितना हो जाएगा 200, ठीक है कितना हो जाएगा 200। अब यही चीज नेक्स्ट जो क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे कब के लिए, 1 अप्रैल के लिए, 31 मार्च 2023 के लिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया, वही 1 अप्रैल 2023 के लिए क्या हो जाएंगे, अकाउंट उस दिन क्लोज होती है, फिर यहां पर नई स्टार्ट होती है अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बी बाई टी कितना हो जाएगा 200 दिखा दे, कितना हो जाएगा 200। आई होप इससे आप समझ गए होंगे ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन का कांसेप्ट, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन का कांसेप्ट, कि भैया अकाउंट्स हमने बनाए, सबसे पहले अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स के अंदर सारी चीजों को पोस्टिंग कर देनी है, साथ अब दोनों तरफ को जोड़ना है, देखना है क्रेडिट साइड कितना डेबिट साइड कितना, तो क्रेडिट साइड आ रहा था हमारा 500, डेबिट साइड आ रहा था हमारा 300, तो हमने क्या किया क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो दोनों तरफ बिठा दिया, इसलिए कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है। अब जितनी कमी थी 200 कमी थी उसको हमने बैलेंस कैरी डाउन करके क्या कर दिया डेबिट साइड में दे दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन 200। अब जो चीज लास्ट पीरियड में टू बैलेंस कैरी डाउन था वही क्या हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल 2023 को क्या बन जाएंगे वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 200 रुपए, कितना रुपया हो जाएगा 200, ठीक है यही कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन का कांसेप्ट है। लेकिन इसी में आप क्या सुनते होंगे कि बैलेंस सी बाय एफ बी बाय एस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कब होता है, तो बोला कि देखो जब जिस दिन हमारा क्या होता है अकाउंटिंग बोलते हैं ना अकाउंटिंग पीरियड खत्म सब कि महीने के अंत में आप क्या कर रहे हो अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, नहीं साल के अंत में डायरेक्ट क्लोज कर रहे हो, तो जिस दिन हमने क्या किया अकाउंट्स क्लोज किया उस दिन हमने जो बैलेंस निकाला और फिर जिस तरफ कमी थी वहां पर हमने कैरी डाउन किया, जिस तरफ इस तरफ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और यहां पर वो क्या बन गया ओपनिंग बैलेंस बन गया, ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कांसेप्ट है अकाउंट्स क्लोज करने तक। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अकाउंट्स बहुत लंबे हैं और ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा पेज है पृष्ठ है जिस पर आप अकाउंट्स बना रहे हैं, ये पूरा पेज है और यहां पर पेज आगे लास्ट हो गया, यहां पर लास्ट हो गया आप क्या करेंगे, अब पेज लास्ट हो गया अब क्या करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं, तो मान लीजिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं और पेज लास्ट हो गया, आप लिखते हैं ना लिखते होंगे पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, हम लोग लिखते हैं ना पीटीओ, नॉर्मली हम क्या लिखते थे पीटीओ लिखते थे पी डॉट ओ डॉट, देखेंगे बहुत लोगों की आदत होती है पीटीओ लिखने की, क्या लिखने की पीटीओ लिखने की आदत है, तो हमें भी वहां पर क्या करने हैं, वहां पर हमें पीटीओ नहीं लिखने हैं, हमें उस अकाउंट्स में जिस पृष्ठ संख्या से आप अगले पृष्ठ संख्या में जा रहे हैं, तो जिस पृष्ठ संख्या से जा रहे हैं वहां पर क्या लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बैलेंस सी बाई एफ, और दूसरे पृष्ठ में जब भी अगले पृष्ठ में जाएंगे तो वही सी बाई एफ क्या बन जाएगा बैलेंस बी बाई एफ ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, तो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन का कांसेप्ट ने आपने समझा, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड का कांसेप्ट समझा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्या है कि ब्रॉड डाउन कैरी डाउन ब्रॉड डाउन का बोला कि भाई अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं, तो जिस दिन अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस निकालने के बाद क्या करते हैं जिस तरफ कमी होती है उस तरफ कमी को पूरा करने के लिए हम कैरी डाउन करते हैं कैरी डाउन, ठीक है, और जिस तरफ मान लीजिए हमें डेबिट साइड कैरी डाउन किया है तो
जब अकाउंट्स फिर से ओपन होंगे, मतलब मान लीजिए 31 मार्च को खत्म हो रहे, 1 अप्रैल को फिर से शुरू होंगे नए अकाउंट्स, नए खाते खुलने शुरू होंगे, तो नए खाते जब ही शुरू होंगे नए अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो क्या बन जाएगा, जो बैलेंस कैरी डाउन था वो बन जाएगा ब्रॉड डाउन। क्या बन जाएगा, वो ब्रॉड डाउन बन जाएगा। लेकिन कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का थोड़ा कंसेप्ट बिल्कुल अलग। मान लीजिए जिस पेज में हम अकाउंट्स बना रहे थे, मान लीजिए बुक है ना, लेजर क्या है, एक बुक है, और जिस बुक में मान लीजिए अलग अलग, उस बुक में हम अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं, तो मान लीजिए कोई कैश अकाउंट बना रहे हैं, बहुत सारे कैश के ट्रांजेक्शन है, अब कैश के ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं, तो वो पृष्ठ कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगले पेज में जाना पड़ेगा, तो इस पेज से अगले पेज में कूदना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड। आई होप दोनों अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्ट। इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। केवल बैलेंस किसको किया जा सकता है, पर्सनल अकाउंट्स को और रियल अकाउंट को। बैलेंस हम किन दो अकाउंट्स को करते हैं, अकाउंट्स में जब हम पढ़े थे, अकाउंट्स में कितने प्रकार, दो प्रकार, पर्सनल इंपर्सनल। पर्सनल में पर्सनल हो गया, इंपर्सनल में दो चीजें रियल एंड नॉमिनल। तो यहां पर टोटल मिला कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल रियल एंड नॉमिनल की जहां तक बात करें, तो कहा कि पर्सनल एंड रियल को ही क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। वहीं पर हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो किसी व्यक्ति से संबंधित किसी पर्सन का अकाउंट है, जैसे मान लीजिए राम्स अकाउंट है, क्या है, राम्स अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। मान लीजिए तेजस अकाउंट, तेजस एकेडमी का अकाउंट है, कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट है, किसी संस्था का अकाउंट, तेजस एकेडमी का अकाउंट है, ये भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एंड रियल अकाउंट में किसी आइटम, गुड्स, गुड्स एंड आइटम संबंधित, गुड्स एंड आइटम से संबंधित जो अकाउंट, गुड्स एंड आइटम से संबंधित जो अकाउंट है, वो क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट हो जाएंगे। अगला, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट नॉर्मली बैलेंस्ड, नॉर्मली उसे बैलेंस नहीं किया जाता है, बट आर क्लोज्ड। ध्यान से सुनिएगा कि पर्सनल एंड रियल क्या होते हैं, पर्सनल एंड रियल जो होते हैं, पर्सनल और रियल को बैलेंस किया जाता है, नॉमिनल को बैलेंस नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। और उस क्लोज बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस अकाउंट्स के बैलेंस को, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, तो बोला कि एक्सपेंस से संबंधित, एक्सपेंसेस, 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 लॉसेस, लॉसेस, ठीक है, इनकम, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स से संबंधित जो अकाउंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता, उसको क्लोज किया जाता है, और उसके जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता है, कहां ट्रांसफर किया जाता है, उसके अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट की जहां तक बात हुई, पर्सनल एंड रियल अकाउंट को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, पर्सनल एंड रियल अकाउंट क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। यहां तक क्लियर। अब यहां पर एक क्वेश्चन हमने दिया था, क्या कहता है, क्वेश्चन हमने दिया था, ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्या करूंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, नहीं क्वेश्चन भी हम करेंगे। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एक अकाउंट मैं बना दूंगा, बाकी अकाउंट क्या करने, आपको स्वयं बनाने, क्या करने, आपको स्वयं बनाने हैं। चलते थोड़े नोट्स के ऊपर। सबसे पहला जो एंट्री है, सबसे पहले एंट्री है नकद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, नहीं व्यापार स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा इसमें, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैसे अकाउंट और जनरल बनाते हैं पूरा दिखाता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आया है, किस रूप में आया है, कैपिटल के रूप में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन मैंने छोड़ देता हूं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से प्रारंभ किए, 2 लाख से, कितना हो जाएगा यहां पर, 2 लाख, यहां पर हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख, सॉरी 20,000 हो गया, 2 लाख,
दो लाख हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। इसके बाद सिंडिकेट बैंक में खाता खोला और वहां पर पैसा जमा किया, कितना हो जाएगा तुम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, नेक्स्ट, मेस्टर्स गुलमोहर फैशन हाउस से उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा तो क्या हो जाएगा, किससे, मेस्टर्स गुलमोहर फैशन हाउस से उधार माल खरीदा तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, उधार माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, और वहीं पर फर्नीचर खरीदा तो हम फर्नीचर का नाम लिखते हैं, गुड्स खरीदता तो वहां पर परचेज, या गुड्स बेचता तो वहां पर सेल्स लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर, गुल गुलमोहर फैशन हाउस, कितना हो जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में हो जाएगा 30,000 एंड 30,000, कितना 30,000 और 30,000, 3,000 हो गया 30,000। इसके बाद, इसके बाद क्या आएंगे, कार्यालय मशीन का क्रय भुगतान चेक से किया है, चेक से किया तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, 20,000, 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड भी 20,000, अगली एंट्री देखें, अगली एंट्री क्या है, चेक से किराया का भुगतान किया, नहीं चेक से क्या किया, किराया का भुगतान किया है, रेंट खर्चा है मान ली तो रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल कहता है, जर्नल वाला लेक्चर्स नहीं जाके देखे हो तो देखो जाकर के, पेड कोर्सेज में डाल दिए गए हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 5,000, 5,000 किराया चेक से भुगतान कर दिया है, बढ़िया है। अगला, मेसर्स मोहित ब्रदर्स को उधार माल बेचा है, क्या किया, मेसर्स मोहित ब्रदर्स को उधार माल बेचा है, अब बेचा है तो क्या हो जाएगा, उधार माल बेचा है किसको, मोहित ब्रदर्स को, तो हम क्या ने? हमें क्या बना लिया, डेटर्स बना लिया, मोहित ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रदर्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कितना है, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। अगली जो एंट्री है वो क्या है, अगली एंट्री है हमारा कैश सेल का, किसका है एंट्री, कैश सेल का, और कैश सेल मतलब नगद बिक्री तो क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना हो जाएगा, 15,000, 15,000। उसके बाद है मेसर्स गुलमोहर फैशन हाउस को नगद भुगतान किया, गुलमोहर हाउस से हमने क्या किया था, परचेस किया था 30,000 का, ये थर्ड वाली एंट्री, अब उसको 30,000 क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, और पाने वाले कौन होंगे, गुलमोहर जी, गुलमोहर अकाउंट डेबिट गुलमोहर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 जितने का खरीदा था बेचारा ईमानदारी से उतना भुगतान कर दिया, इन्होंने भी कोई डिस्काउंट उसे नहीं दिया, बोला कि फिक्स प्राइस। ये तो सारी की सारी हमने क्या कर ली, जर्नल एंट्री कर ली। भाई जर्नल करना जरूरी है क्या सर, बिल्कुल, जब हम स्टार्टिंग फेज में सीख रहे हो तो जर्नल करना बिल्कुल जरूरी है, जैसा नियम था जर्नल किया था वैसे, पूरा बॉक्स को खींच करके डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट अमाउंट सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली ढंग से करना है, यहाँ तो मैंने वैसे कर लिया, सिस्टमेटिकली ढंग से आपको करना है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कितने अलग अलग,
जैसे इसमें देखेंगे कैश अकाउंट हमने यूज किया है, परचेज अकाउंट हमने यूज किया है, बैंक अकाउंट यूज किया है, रेंट अकाउंट यूज किया है, मोहित ब्रदर्स अकाउंट यूज किया है, सेल्स अकाउंट यूज किया है, गुलमोहर अकाउंट यूज किया है, मतलब सभी तरह का अकाउंट के नाम से हमने क्या किया, जर्नल बनाया है, रिकॉर्ड किया जर्नल। अब उस संबंधित अकाउंट संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह ट्रांसफर करके लाएंगे। तो सबसे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, कैश वाला कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, कैश वाला कर लेता हूँ। नहीं अच्छा रहेगा, क्या कर लेता हूँ, कैश वाला कर लेता हूँ। ठीक, कैश वाला कर लेता हूँ। कैश वाला में थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पर पीछे ही रहता हूँ, इसी स्लाइड पर रहता हूँ, देखते हैं इसको कोशिश करके। कैश वाला कर लेता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे या मुझे ट्रांजेक्शन सारे याद हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाता हूँ, कैश अकाउंट। अच्छा कैश अकाउंट बनाने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट लिख देना है, जो भी अकाउंट आप बना रहे हो कैश अकाउंट। परफॉर्मा मैंने दिखा दिया था आपको, परफॉर्मा खींच लेना है आपको। यहाँ पर थोड़ी टेरी हो सकती है परफॉर्मा, उसके लिए माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, अब सारी की सारी एंट्री डेट वाइज थी, जून 8 में पहले हमने एंट्री किया था कैश अकाउंट संबंधित। अब जब कैश अकाउंट यहां पर लिख लेंगे, सब कुछ लिख लिया, कौन सा यहां पर हो जाएगा, डेट, इसमें आ गया पर्टिकुलर्स, इसमें आ गया क्या जेएफ जनरल फोलियो, इसमें आ गया अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स जेएफ जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ये सारी की सारी चीजें आ गई यहां पर। अब क्या करनी है, जितने भी आपने एंट्री की है उसमें जहां जहां कैश अकाउंट आपने यूज किया है उसको देखेंगे, क्या किया कैश अकाउंट यूज किया उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर यहां पर देखें, सबसे पहला हमने यूज किया था कौन सा, सबसे पहला हमने यूज किया था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में एक बार नीचे उतारता हूं, सबसे पहला हमने एंट्री किया था धनराशि से, हमने क्या किया था अकाउंट खोला था, क्या करना नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, कितने तारीख को, वो तारीख थी हमारी आपकी एक मिनट जून 5 को थी, कितनी थी जून 5 को, नगद नगद से क्या किया व्यवसाय प्रारंभ किया, क्या किया नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया है, नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया है, नहीं नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया तो एंट्री क्या हो जाएंगी, वहां पर एंट्री होंगी, मैं एंट्री में समझाता हूं और उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे यहां पर। अब जैसे ही नकद से व्यवसाय प्रारंभ किया तो एंट्री वहां पर हमने किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्या किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया हम, बना कौन सा रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट से संबंधित अकाउंट जो है उसको क्या किया जाएगा, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री को देखना पड़ेगा सर। अभी जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी वहां पर, वहां हमने क्या की थी कैश अकाउंट डेबिट, क्या की थी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला सारा जर्नल एंट्री हम निकाल लेंगे, जर्नल एंट्री निकालने के सारा जर्नल एंट्री कर दिया हमने कंप्लीट। इसके बाद जो जो अकाउंट्स बनाने हैं, जितने भी उसमें अकाउंट है सभी बनाने होंगे, परचेज बनाना पड़ेगा, सेल्स बनाना पड़ेगा, गुलमोहर बनाना पड़ेगा, फैशन हाउस बनाना पड़ेगा, इसके बाद रेंट बनाना पड़ेगा, बैंक बनाना पड़ेगा, कैश बनाना पड़ेगा, इतने सारे अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जिसमें हमने चूज किया कैश अकाउंट को, कैसे चूज किया कैश अकाउंट को। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने यूज किया था, क्या किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने यूज किया था, और हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट बना रहे हैं, और कैश अकाउंट को वहां पर क्या किया गया था डेबिट, ठीक है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर कैपिटल जो है कैश अकाउंट संबंधित जो कैपिटल लिखा गया वो क्या है कैश अकाउंट, वहां पर डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है, यहां भी हम क्या कर लेंगे टू कैपिटल कर लेंगे, क्या यहां पर क्या कर लेंगे टू कैपिटल। अगर कैश वहां डेबिट था तो उससे संबंधित जो भी लेन देन है उसको क्या कर लेंगे डेबिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे डेबिट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2,00,000 रुपए, कितना हो जाएगा 2,00,000 रुपए। सब कुछ करके दिखा दो बैलेंस वैलेंस सब कुछ, नहीं
इसके बाद ये जो हो जाएगी जून 5 को, किसके जून 5 को, डेट भी लिखते जाएंगे साथ साथ जून 5 को। अगली एंट्री थी जून 5 के बाद, अगली एंट्री थी बैंक अकाउंट खोलने की, किसकी एंट्री थी, अगली एंट्री थी बैंक अकाउंट खोलने की जून 8 को। सिंडिकेट बैंक में क्या किया, अकाउंट खोला, क्या किया, सिंडिकेट बैंक में अकाउंट खोला था, और हमने एंट्री क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो यहां पर क्या कर लेंगे, बैंक को भी क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम क्या दे देंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, है ना, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उससे संबंधित जो लेन देन है उसको बस क्या करना, रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कैश अकाउंट तो हम खुद बना रहे हैं, उससे संबंधित जो है उसको रिकॉर्ड करना है, उस अकाउंट को रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर देखना क्या है कि कैश अकाउंट को डेबिट किया गया या क्रेडिट किया गया। अगर कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है तो उससे संबंधित चीजों को डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया एंट्री में तो उससे संबंधित चीजों को क्रेडिट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, बाय बैंक में कितना हो जाएगा, 80,000, बाय बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट जो एंट्री है वो क्या है, बैंक में कैश जमा कर दिया उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये कैश सेल हुआ है, नहीं कैश सेल हुआ कितने तारीख को, कैश सेल हुआ जून 22 को, 22 जून को हमने एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया था तो जून 22 को वहां पर क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट था और सेल्स क्रेडिट था, तो डेबिट साइड में क्या कर लेंगे, टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा, 15,000, कितना का, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, गुलमोहर फैशन हाउस को हमने क्या किया, नगद भुगतान किया, नगद भुगतान हमने किया तो क्या किया, क्या क्या था एंट्री, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो यहां पर गुलमोहर को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, बाय गुलमोहर अकाउंट, गुलमोहर अकाउंट, बाय गुलमोहर अकाउंट, बाय गुलमोहर अकाउंट, गुलमोहर अकाउंट में कितना हो जाएगा, 30,000, कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। अब क्या करना, हमेशा दो तीन लाइन छोड़ करके वहां पर टोटल करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ जोड़ के देखते हैं क्या होता है, एक साथ एक सीध में, ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे, एक सीध में दोनों को टोटल करेंगे, क्या करेंगे, एक सीध में दोनों को टोटल करेंगे और टोटल को डबल अंडरलाइन से क्या करेंगे, बंद करेंगे, टोटल को डबल अंडरलाइन से बंद करेंगे, टोटल को डबल अंडरलाइन से बंद करना है, टोटल को डबल अंडरलाइन से यहां बंद करें। अब जोड़ेंगे, यहां पर कितना आ गया, 215,000 और वहां पर कितना आ रहा है, 110,000। तो जिस साइड जा रहा ज्यादा आ रहा है उस तरफ उसके बैलेंस को क्या करना है, दोनों तरफ लिख लेना, 215,000 और यहां भी 215,000, टोटल क्या था, कितना आया था, 110,000, कितना आया था, 110,000। अब यहां पर आप देखते हैं क्या, डेबिट साइड आपका क्या है, 215,000 है, क्रेडिट साइड क्या है आपका, 110,000 टोटल करेंगे तो हमने 215,000 कर दिया। तो जो रेस्ट अमाउंट, मतलब जो कमी है उसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस, ये जून 8 को डेट थी, जून 8, ये जून 28 थी शायद, 28 जून, बाय बैलेंस कैरी डाउन, किस तारीख को, 30 जून को, जून 30 ही होता ना, हाँ जून 30 ही होता, 30 जून को बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, जो कमी है उसको पूरा कर देंगे, 215,000 उसमें से 110,000 घटाएंगे, तो 1,05,000 कितना हो जाएगा, 1,05,000, 1,05,000 कितना हो जाएगा, 1,05,000, ये 30 जून को। अब हम 30 जून को अकाउंट क्लोज करते तो हमने क्या कर दिया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,05,000। अब नए महीने होंगे फिर से अकाउंट शुरू होंगे कैश वाले, तो नए महीने कौन से आ रहे हैं, जुलाई, तो 1 जुलाई को हम क्या कर लेंगे, डेबिट हां क्रेडिट साइड में क्या था, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो डेबिट साइड में आ जाएगा किसमें, 1 जुलाई को क्या आ जाएगा, 1 जुलाई को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1,05,000 टू बैलेंस ब्रॉड, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये मैंने कैश अकाउंट को बनाया। इसी तरह से बैंक अकाउंट का बनेगा, इसी तरह से परचेज का भी, गुलमोहर का भी, तो जितने इससे संबंधित जितने भी अकाउंट्स हैं उसको आप बना के देखिए, नहीं अगर आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा, वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू कैपिटल, बस जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं वो उसको देखना है कि उससे संबंधित चीजों को ही रिकॉर्ड करनी है। जब हम अकाउंट बनाने आ गए, फॉर्मेट लिख दिया, कैश अकाउंट लिख दिया,
अब हमारे दिमाग में ये चीजें बैठ जानी चाहिए कि कैश अकाउंट जहां जहां जिस जिस एंट्री में देखेंगे उससे संबंधित चीजों को इसमें लिखना है। कैश को नहीं लिखना है, उससे संबंधित चीजों को इसमें लिखना है। कैश तो अकाउंट खुद हम बना ही रहे हैं, उससे संबंधित चीजों को इसमें क्या करना है, लिखना है। अब जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब वहां पर ये देखना है कि कैश को डेबिट किया गया क्रेडिट किया गया। अगर जिस एंट्री में कैश को क्रेडिट किया गया है उससे संबंधित चीज को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जिस एंट्री में कैश को डेबिट किया गया है उससे संबंधित चीज को भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सॉरी डेबिट किया गया तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट किया गया तो क्रेडिट करेंगे। लास्ट में बैलेंसिंग हम इसी तरह से निकालेंगे, दोनों तरफ को जोड़ेंगे, जिस तरफ का जोड़ सबसे ज्यादा होगा उसको दोनों तरफ बिठा देना है। तो एक 2,15,000 या 2,15,000 हमने दोनों तरफ क्या कर दी, बिठा दी। अब जो कमी रह गई है क्रेडिट साइड में उसको हमने क्या कर दिया, कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन से पूरा कर दिया 1,05,000। और उसके नेक्स्ट डे जिस दिन क्लोजिंग, मतलब 30 जून को क्लोज हो रहा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1 जुलाई को फिर से नई ओपनिंग हो रही है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,000। आई होप पूरा का पूरा यह सीन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या आती है आपको क्वेश्चंस के आगे जो भी अकाउंट्स उसको सॉल्व करने में, आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर निश्चित रूप से सारे के सारे अकाउंट्स बना दूंगा ये करके आपके लिए, ठीक है। क्योंकि तेजस एक लर्नर सेंट्रिक क्या है प्लेटफॉर्म यूज करती है, जहां पर लर्नर्स जो चाहता है वो हम करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। इसके आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं एलिमेंट के भी, अगर कोई एलिमेंट 12th बीकॉम यूसीनेट सबके पेड कोर्सेस की, पेड कोर्सेस भी चल रही है हमारे एप्लीकेशन पर, आप एप्लीकेशन पर जाकर उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कोर्स खरीद सकते हैं। कोई ही दिक्कत होती है आप नंबर जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एक दो क्वेश्चंस बनाइए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, वो भी कुछ थ्योरेटिकल एक जर्नल वाला फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल एक बार कंप्लीट हो जाएंगे जर्नल वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राम राम।